सो चलो गाइज, मैंने आप लोगों की ये बात भी पूरी कर दी। गाइज देखिए, यहाँ पे था क्या, आप सभी ने कहा था भाई वो न्यूमेरिकल्स के लिए मुझे मतलब सारे के सारे फार्मूले करा दो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैंने 50+ कुछ राइट किए हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बेसिकली होगा क्या कि आपको एक से दो, उसमें तो आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएगा, एक से दो नंबर मतलब कि आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा, और एक से दो जो फार्मूले से आपका क्वेश्चन बनेंगे वो बेसिकली आप न्यूमेरिकल मतलब जो आएंगे उसमें कर पाएंगे, ठीक है। तो 50+ इंपॉर्टेंट फार्मूले खुद मैंने लिखे हैं, थोड़ा सा राइटिंग को मैनेज करना क्योंकि अपना जो राइटिंग है वो अच्छा नहीं बनता है, और टाइप करने पर वो फार्मूला अपान बटे और न जाने क्या क्या, एप्सिलॉन जीरो लिखना बहुत पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट जिसे आप बोलते हो वो पॉसिबल नहीं है। सो गाइज मैंने यहाँ पे किया क्या, एक कॉपी पे अच्छे से लिख लिया, खुद मैंने लिखा है, ठीक है। सो गाइज बिना टाइम लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे मिल जाएगा। इंग्लिश का देखिए, अब बहुत बार दो तीन वीडियो से कह रहा हूँ कि आपको 1000 इंग्लिश की मतलब पीडीएफ दे दूंगा। इसी के साथ में अभी टाइम देखिए, टाइम मैं एग्जैक्ट टाइम का बहुत बड़ा बंदा हूँ, मतलब पक्के टाइम का। देखिए टाइम यहाँ पे 12 बजा हुआ है, ठीक है, 12:30 मतलब आपको 1 बजे तक मैक्सिमम वीडियो मिल ही जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट थिंग गाइज आपको बता दूंगा कि पीडीएफ आपको मिल जाएगी 3 से 4 तक पक्का, ठीक है, डन। एंड और भी कोई डाउट हो बेझिझक आस्क करना, बस एक ही काम है भाई, शेयर करिए, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए भाई इतना कर रहा हूँ, आप लोग मतलब कोई शेयर नहीं करता तो प्लीज़ शेयर करना, और सब्सक्राइब किया हो तो करना, अदरवाइज कोई नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पे, और कल सबसे पहले अपने ही चैनल पे आपको ये रिव्यू मिलने वाला, तो टेंशन नहीं लेना। और थोड़ा सा मेरा राइटिंग है गाइस वो अच्छा नहीं बनता, बट वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 50+ फार्मूले हैं, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने लिख रखे हैं, जस्ट अ सेकेंड गाइस, 50 है फार्मूले पूरे के पूरे टोटल, और जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने वो सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए लिख रखे हैं, ठीक है। जब जब आपसे एच पूछ दिया जाए, हाइट मीन्स, और यहाँ पे जी की वैल्यू दी हो और टी की वैल्यू टाइम दिया हो, तो गाइस जो फार्मूला लगता है जी एच इक्वल टू क्या लगता है, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। जी मतलब ग्रेविटेशन, टी टाइम, बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें आप सभी को पता होगा, तभी आप जाके यहाँ पे कर रहे हो। उसके बाद देखिए आई इक्वल टू गई, थोड़ा आई है, ठीक है, आई इक्वल टू ई अपन आर प्लस आर, ठीक है, आई इक्वल टू ई अपन आर प्लस आर। नेक्स्ट फार्मूला, यहाँ पे आर जो है गाइस ये एक इनिशियल रेजिस्टेंस है, एक फाइनल रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट ई इक्वल टू नहीं है, एफ इक्वल टू है, बस ये मिस्टेक हो गया मुझसे, और मैंने ये कंप्लीट कर लिया था तब मुझे जाकर, तो मतलब मैंने किया तो आप मैनेज कर सकते हो। बेसिकली आपको पता होगा, ठीक है, फोर्स इक्वल टू म्यू इनटू आर, यहाँ पे आपका ये म्यू है, ये घर्षण है, फ्रिक्शन है, ठीक है, आर रेजिस्टेंस है या फोर्स है, ठीक है। तो एफ इक्वल टू म्यू आर, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट के ई इक्वल टू एच वी माइनस फाई, के ई इक्वल टू एच वी माइनस का फाई। नेक्स्ट एन वन अपन एन टू इक्वल टू टी वन अपन टी टू, अंडर रूट के भीतर गाइज देखिए यहाँ पे एन वन अपन एन टू इक्वल टू, यहाँ पे टेम्परेचर है टी वन टी टू, ठीक है, और ये प्राथमिक द्वितीय कक्षा है। तो देखिए इसमें से आपको बेसिकली आज कर सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम पे, इस वाले से जहाँ पे आपको टी वन, इससे मैंने एक प्रैक्टिस सेटअप आपके लिए तैयार किया है, उसमें से इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आई थिंक थे, तो वो मैं करा दूंगा शाम तक, आपको टेंशन नहीं लेना। जब कभी भी आपसे एनर्जी मीन्स आपसे एनर्जी ऊर्जा पूछा जाए, तो फार्मूला होता है यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये सेम हो गया, के इक्वल टू एच वी माइनस फाई होता है, यहाँ पे फाई आएगा। नेक्स्ट इक्वल टू माइनस एम डी फाई अपन डी टी, गाइस देखिए ये फार्मूला होता है आपका इक्वल टू माइनस एम डी डी फाई अपन डी टी, यहाँ पे एम जो है आपका ये अन्योन प्रेरण है, क्या है, अन्योन प्रेरण, ठीक है, और ई है प्रेरित विद्युतवाहक बल, डी फाई अपन डी टी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर, और गाइस जिसे हम बोल सकते हैं ई, देखिए देखिए बेसिकली लिख देता हूँ, एल फाई बराबर डी आई अपान डी टी, एन फाई बराबर एल आई। गाइस यहाँ पे यल वाला ये वही आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ये जो फार्मूला होता है यहाँ पे यल है, ये आपका स्वप्रेरण गुणांक है, और यहाँ पे यम जो है इसी तरह मतलब सेम बिल्कुल यही होता है आपका स्वप्रेरण गुणांक का, ये अन्योन प्रेरण गुणांक का फार्मूला है, और स्वप्रेरण गुणांक का जो होता है उसमें यहाँ पे यल आ जाएगा, हाँ, और उसका जो यूनिट होता है स्वप्रेरण गुणांक का वो होता है हेनरी, क्या होता है, हेनरी। डायमेंशन जो होती है वो होती है एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, ठीक है, ये आपकी डायमेंशन होती है। नेक्स्ट कूलाम, कूलाम बल, जब फोर्स कूलाम के लिए पहुँच दिया जाए तो जो फार्मूला होता है वो होता है एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, ठीक है। के की जो है गैस वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जिसे बोलते हैं, और इसका जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता गाइस आर इक्वल टू फार्मूला आप सभी को पता होगा, रो एल अपान ए, लंबाई हो गई, ए एरिया हो गया, ठीक है, और आर इक्वल टू रो, ठीक
ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिरोधकता जिसे बोलते हैं, एंड आर आपका रेजिस्टेंस। तो गाइस यहाँ पे अगर प्रतिरोधकता आपसे आज कर लीजिए, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध भी आप बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। तो आपका ये फार्मूला हो जाएगा कि रो इक्वल टू आर ए अपन एल। वैसे बेसिकली आपका फार्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ओके, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है कि इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। उसके बाद जो एक गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है वो होता है के ई बराबर पी स्क्वायर अपन टू एम। ठीक है, समय में परिवर्तन, पी मोमेंटम, चेंजमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो ये होता है आपका जहाँ पे एम मास हो जाएगा द्रव्यमान, और यहाँ पे स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा का आपका मतलब कहने का मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी से बोलते हैं यू इक्वल टू एम जी एच, यू इक्वल टू एम जी एच। नेक्स्ट आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जड़ता गुण। ठीक है, जड़ता गुण अगर विमा की बात करूँ एम एल टू होता है, इसकी डायमेंशन होता है, ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पे देखिए ये तो कुछ गलत हो गया, इसे मतलब हटा देता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का वेग सी बराबर जो मतलब इससे आपको बेझिझक आज कर लीजिएगा, जो लाइट की वेल मतलब इसका डायमेंशन आज कर लिया जाएगा कि जो सी का मतलब प्रकाश का वेग होता है उसकी डायमेंशन किसके इक्वल होगी, वो डायमेंशन होगी वेग के, वेलोसिटी के इक्वल। एल टी माइनस वन होते डायमेंशन, एल टी माइनस वन वही होता है। तो एल टी माइनस वन इसका मतलब हो जाएगा राइट सी इक्वल टू 1.4π ε0 की जो वैल्यू आती है वो प्रकाश के वेग 3.0×10⁸ मीटर पर सेकंड के इक्वल होती है, और मीटर पर सेकंड एल टी माइनस वन ये देखिए एल अपन टी हो जाएगा, यही होता है वेग, वेलोसिटी इक्वल। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू एल टी माइनस वन। नेक्स्ट, हाँ, आर इक्वल टू आर जीरो ए की पावर 1/3। यहाँ पे इस फॉर्मूले से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम पे। नेक्स्ट है नाभिकीय त्रिज्या पे जो आपसे मतलब आज किया जाएगा, तो आपको फिर ये फार्मूला लगाना है। देखिए मैंने खुद लिखे हैं भाई, और काफ़ी टाइम लगा था इस बार नाइट में लिखने पे। ठीक है, मैक्सिमम रेंज, तो अधिकतम परास के लिए फार्मूला क्या होता है, वो होता है आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपन जी, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपन जी। ठीक है, यहाँ पे यू आप प्रारंभिक वेग मान सकते हैं, इनिशियल जिसे बोलते हैं, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट है हाइट, जब आज कर ली जाए तो एच बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपन टू जी। ठीक है, हाइट जब आपसे आज कर ली जाए तो यहाँ पे आपको इनिशियल दिया होगा, थीटा एंगल दिया होगा, एंड जी की वैल्यू आपको पता है कि ग्रेविटेशन की वैल्यू कितनी होती है 9.8 या फिर 10, वो तो आपके न्यूमेरिकल आपके सवाल पे बेसिकली दिया रहता है कि ये होगा। पलायन वेग इसे जिसे एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी वी ई बराबर अंडर रूट 2gr। ठीक है, वी ई बराबर अंडर रूट 2gr। अच्छा, पलायन वेग जैसे हम पृथ्वी को पृथ्वी से कोई चीज़ बाहर की ओर फेंकते हैं तो उसके लिए हमें कितना मतलब वेग चाहिए, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर ऊपर से चाहिए चंद्रमा से पृथ्वी के लिए तो 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जी इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जी इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। नेक्स्ट, हाँ, आवर्तकाल जब आपसे टाइम पीरियड आज कर लिया जाए, टाइम पीरियड देखिए मतलब बेसिकली मेरे बताने का मतलब ये है कि जो फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि उस पर ज़्यादा न्यूमेरिकल बन के आता है। टी अभी इस पर बहुत बन के आता है, देखिए टी इक्वल टू 2π, और इसमें वो नहीं बन के आएगा न्यूमेरिकल, इस पर बन के आएगा कि अगर हम किसी की लंबाई इतनी बढ़ा दें तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, ये आपसे आज किया जाएगा इस पर। ठीक है, तो टी इक्वल टू 2π अंडर रूट एल अपन जी। नेक्स्ट पी इक्वल टू शक्ति के लिए देखिए फार्मूला आपको पता होगा, पी इक्वल टू VI। ठीक है, पी इक्वल टू W/T भी होता है, और इन्हीं से जाके सारे के सारे यहाँ पे बन जाते हैं। उसके बाद पी इक्वल टू V स्क्वायर पान I, और पी इक्वल टू I² × R। हाँ, ये इन्हीं से जाके सारे के सारे बन जाते हैं। देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा V इक्वल टू IR और पी इक्वल टू VI। ठीक है, अब जाके देखिए हम यहाँ पे V की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, V की जगह यहाँ पे IR, तो क्या हो जाएगा IR² ये वाला देखिए I² ये वाला I² और यहाँ पे R, तो I² R। इसी तरह से गाइस ये वाला बन जाएगा P V IR से, तो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकाल देंगे तो V/R और तो भी हो जाएगा आपका V² / R। ठीक है, शक्ति का फार्मूला ये होता है, और P W/T भी होता है, P W/T। W क्या है, W आपका वर्क है, T टाइम है। नेक्स्ट, हाँ, ये दर्पण का फार्मूला है, 1/F = 1/U + 1/V। लेंस मेकर फार्मूला जिसे बोलते हैं, लेंस मेकर फार्मूला 1/F = μ − 1 1/R1 − 1/R2। इससे भी आपका फार्मूला डायरेक्ट आज किया जा सकता है, न्यूमेरिकल तो नहीं आने वाला क्योंकि इस न्यूमेरिकल करने पे बहुत टाइम लग जाता है, इस वजह से इस पे तो आपको मुश्किल है जो बना के दें। नेक्स्ट है W = HV0। ठीक है, अब HV इक्वल टू देखिएगा जो होता है क्या, C अपान
लेमडा, सी अपान लेमडा। तो डब्ल्यू इक्वल टू कार फलन है यहाँ पे डब्ल्यू, एच सी अपान लेमडा, डब्ल्यू इक्वल टू एच सी अपान लेमडा। देखिए एच और सी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, एच जो होता है वो फ्लैंक कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, इंटू सी की वैल्यू आपको पता होगी 3.0 इंटू 10 पावर 8, ठीक है। और लेमडा आपका सवाल पर दिया रहेगा या फिर आपको डब्ल्यू दिया हो सकता है, वो तो सवाल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है संधारित्र में ऊर्जा। अभी कुछ देर पहले बताया था संधारित्र में ऊर्जा जब आपसे आज कर ली जाए तो उसका जो बेसिकली फार्मूला होता है वो होता है क्यू बराबर सी वी, या आप लिख सकते हैं सी बराबर क्यू अपान वी, सी बराबर क्यू अपान वी, ठीक है। अब उसके बाद अब उसका जो संधारित्र में एनर्जी का तो वो होता है यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, और इसी फार्मूले से जाके क्यू बराबर सी वी, ये देखिए क्यू बराबर सी वी मेन फार्मूला ये, अब इसी से जाके इन्होंने ये दोनों के दोनों फार्मूले कर दिए हैं क्रिएट। यहाँ पे जाके हम अगर वी की वैल्यू निकाल दें तो क्यू अपान सी आ जाएगी, तब जाके ये वाला फार्मूला बन जाएगा, अगर सी की वैल्यू निकाल देंगे तो अपना पहला वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक भाई। नेक्स्ट है अनुगमन वेग बताइए। अनुगमन वेग के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है जे इक्वल टू एन ई ए, एन ई ए वी डी, जे इक्वल टू एन ई ए VD, ये आपका अनुगमन वेग का फार्मूला होता है। नेक्स्ट अब केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल जिसे आप सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ते आ रहे हो बहुत दिनों से, अब वो आपको एग्जाम में करके दिखाने हैं। तो ये जो फार्मूला होता है वो फोर्स इक्वल टू होता है एम वी स्क्वायर अपन आर, मास हो गया, वेलोसिटी हो गई, आर आपका रेजिस्टेंस बता सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट हाँ रेडियस होता है, सॉरी आर रेडियस होता है त्रिज्या। नेक्स्ट है क्यू टेन थीटा इक्वल, घर्षण कोण जब दे दिया जाए तो टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर जी, ठीक है। यहाँ से अगर आपको एंगल आस कर लिया जाए तो बता देना, वेलोसिटी दी हुई तो वेलोसिटी, रेडियस दिया हो तो रेडियस, ठीक है, जी की वैल्यू दी हुई तो जी की, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे और क्या है, तो अभी तो 30 हुए हैं, अभी कुछ और बचे हैं, अभी तो 20 हैं तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर, ठीक है, ये तो आपको सभी को पता ही होगा गुरुत्वाकर्षण नेतांक, जी इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर एम वन इंटू एम टू, ठीक है। नेक्स्ट P बराबर W अपान T, कुछ देर पहले मैंने बताया था P यहाँ पे पावर है, W वर्क है, और T यहाँ पे टाइम है, और W कार बराबर क्या होता है, कार बराबर होता है F इंटू यस, कार बराबर क्या होता है F इंटू यस, ठीक है, और T टाइम है। चलो नेक्स्ट देखते हैं M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू जीरो, संवेग संरक्षण का नियम P इक्वल टू, राकेट जो हम लोग छोड़ते हैं वो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, वो संवेग संरक्षण के नियम पे सिद्धांत पर कार्य करता है। M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट है क्यू बराबर आई टी, यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू चार्ज है, ठीक है, आई अपना धारा है, करंट है, टी टाइम है, ठीक है, इसका आप डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, आई का ए हो जाएगा और टी का टी, तो क्यू बराबर ए टी। नेक्स्ट और क्यू इक्वल टू आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं, एन क्यू बराबर एन ई, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड जो पहला चैप्टर है आपका आई थिंक ट्वेल्थ क्लास में, उसमें ये है क्यू इक्वल टू एन ई, क्यू इक्वल टू एन ई, ठीक है। तो यन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और इलेक्ट्रॉन मतलब कितने चक्कर लगा रहे, ई इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है वो। नेक्स्ट अर्धायुकाल टी बराबर 0.6931 अपान लेमडा, 31 अपान लेमडा, और यहाँ पे गए थे कि टी इक्वल टू, ये आपसे सवाल पे मुश्किल है जो आज किया जाए, बट ये डायरेक्टली आपको पूछ सकते हैं कि इसका अर्धायुकाल बताइए, तो वो होता है टी इक्वल टू 0.693 अपान टू लेमडा, ओके। नेक्स्ट ए बराबर वी स्क्वायर अपन आर, ए बराबर वी स्क्वायर अपन आर। नेक्स्ट यहाँ पे बायो सेवर्ट का नियम आपसे आज किया जा सकता है, तो वो होता है डेल्टा पी बराबर आई डेल्टा एल साइन थीटा अपन आई आर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र धारा की, करंट की, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट की प्रोपोर्शनल होता है, और उसके जो मतलब लंबाई होती है उसके प्रोपोर्शनल होता है, उनके बीच बने कोण की ज्या के प्रोपोर्शनल होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। नेक्स्ट ई इक्वल टू यप अपान आर स्क्वायर, यप अपान आर स्क्वायर, ठीक है, ये तो बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से हाँ है, इक्वल टू 1.45 ε0 क्यू अपान आर स्क्वायर, के की वैल्यू आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा 1.45 ε0, और 1.45 ε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁻¹। नेक्स्ट वी बराबर ए इंटू डी। नेक्स्ट है आर बराबर एम वी अपान क्यू बी, ठीक है, रेडियस आप जब से त्रिज्या आज कर लीजिए तो फार्मूला आपको लगा देना है आर बराबर एम वी अपान क्यू बी, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की त्रिज्या, तो आर बराबर एम वी अपन क्यू बी, चलो ठीक है। नेक्स्ट बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र प्रणाली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब आज कर लिया तो म्यू जीरो एन आई अपान एल। अब देखिए म्यू जीरो का जो मान होता है वो आपको बेसिकली पता होना चाहिए, म्यू जीरो का मान होता है 4π × 10⁻⁷। अगर बात करूँ म्यू जीरो अपान टू पाई की, म्यू जीरो अपान टू पाई की, तो वो होता है 2 × 10⁻⁷, ये होता है आपका म्यू जीरो अपान टू पाई का। नेक्स्ट यप इक्वल टू क्यू
एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी, ठीक है, इनके ऊपर वेक्टर है, आप उतना मैनेज नहीं करता, एफ इक्वल टू क्यू वी बी होता है, जहाँ पे फोर्स दिया होगा, चार्ज दिया होगा, वेलोसिटी, एंड वहाँ पे बी चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक एरिया। नेक्स्ट है ये देखिए, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू माइनस एल डी आई अपन डी टी, ठीक है, इसी को हम प्रेरण स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। नेक्स्ट है आई प्रोपोर्शनल, इसे हटाओ, कोई जरूरी नहीं है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे। मैलस का नियम, मैलस का नियम क्या होता है, आई बराबर आई जीरो कॉस स्क्वायर थीटा, आई बराबर आई जीरो कॉस स्क्वायर थीटा, लेमडा इक्वल टू 12.27 रूट टू वी, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और तो यहाँ पे गाइस कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे तो वो मैंने लिख दिया आपके एग्जाम के लिए, और भी कोई अगर डाउट हो तो बेझिझक आस्क करना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, एंड और भी कोई इंफॉर्मेशन हो तो आज मतलब कोई भी डाउट हो तो आस्क कर सकते हो, एंड बाय बाय, जय हिंद। सो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय बाय।